हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे पास Xiaomi की तरफ से आने वाले दो नए अमेजिंग प्रोडक्ट्स, और ये नए अमेजिंग प्रोडक्ट्स डे टू डे यूसेज में आपके काम आ सकते हैं। पहला है यहां पे Xiaomi का मी पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर जो कि 16 वॉट का है, बहुत ही बढ़िया साउंड क्वालिटी के साथ ही आता है। और दूसरे हैं नेक बैंड यानी कि ईयरफोन विद नेक बैंड। तो आज मैं बताऊंगा इन दोनों डिवाइसेस के बारे में, प्रोज एंड कॉन सब कुछ। चलिए शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। तो दोस्तों, पहले कर लेते हैं अनबॉक्सिंग इस डिवाइस की। और यहाँ पे आपको एक केबल मिलती है इसके अंदर, USB 2.0 टू USB-C केबल, जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं और फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। इसके साथ कुछ इस तरह का स्पीकर निकल के आता है बॉक्स में, आप देख सकते हैं। यहाँ पे है मी की ब्रांडिंग, ये है पावर बटन, वॉल्यूम माइनस, वॉल्यूम प्लस, प्ले एंड पॉज बटन, ये है ब्लूटूथ पेयरिंग बटन, एंड ये वाला बटन है जिससे आप इस तरह के दो स्पीकर्स अगर खरीद लेते हैं तो उन दोनों को आपस में पेयर कर सकते हैं और एक स्टीरियो सेटअप जो है आपका बन जाता है, साउंड के अंदर अच्छे से अच्छा लग जाता है बेसिकली। और यहाँ पे एक छोटा सा होल जो है दिया गया है विच इज फॉर द माइक, दैट मीन्स आप इस पे हैंड फ्री मोड में वॉइस कॉल वगैरह ले सकते हैं, तो आप सीधा अपने फोन की कॉल्स को यहीं आंसर कर सकते हैं। इसके साथ आपको ये थ्रेड मिलता है जिसको आप यहाँ पे इसके लैन या पोर्ट में लगा के कुछ इस तरह से इसको लटका सकते हैं कहीं पे भी, तो मैंने इसको इस तरह से बनाया हुआ है। और जो इसकी क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है, वो काफ़ी प्रीमियम फील होती है। यहाँ पे बिल्कुल फेदर जैसा मटेरियल है विच इज़ वेरी नाइस, और नीचे की तरफ आपको रबर पैडिंग दिया गया है जिससे आप इसको इस तरह से रख सकते हैं किसी भी सर्फेस पे। और यहाँ पे टॉप पे आपको मिलते हैं दो पोर्ट्स जिसमें से एक है चार्जिंग पोर्ट और दूसरा है ऑक्स पोर्ट, तो अगर आप चाहें तो एक केबल के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने फोन से। दूसरा प्रोडक्ट है मी नेक बैंड ब्लूटूथ ईयरफोन्स प्रो, तो कुछ इस तरह से पैकेजिंग के अंदर ये मिलते हैं। पैकेजिंग तो उतनी कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है, बट ठीक है, चलता है। और कुछ इस तरह के ये दिख जाते हैं, आप इनको ऐसे पहन सकते हैं। और यहाँ का जो मटेरियल खासतौर से जो आपकी नेक को टच करेगा, ये रबराइज मटेरियल है और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, देखिए दिस इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। तो अगेन आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इनको पहन के कि टूट जाएगा, कुछ होगा, वैसा कुछ भी नहीं है। और ये पूरा रबराइज मटेरियल है, साथ साथ यहाँ पर आपको एक फाइन सा टेक्स्चर दिया गया है, लाइन वाला टेक्स्चर, जो कि अगेन अच्छा जो है ग्रिप आपको मिल जाता है, थोड़ी बढ़िया फील मिल जाती है। यहाँ पे आपको प्लास्टिक कंपोनेंट मिलता है जिसकी फिनिशिंग अच्छी है, थोड़ा बहुत ग्लॉसी है, यहाँ पे मैट फिनिश है, मी की ब्रांडिंग है। और इस तरफ आपको मिल जाते हैं बटन्स, आप देख सकते हैं कि इसमें ये बटन मिलता है जिससे आप इसे पावर ऑन कर सकते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज बटन मिलता है, और यहाँ पे आपके पास माइक्रो यूएसबी पोर्ट है। और इसी के साथ यहाँ पे आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का बटन मिलता है जिसको आप अनेबल कर देंगे तो आपको जो बाहर की नॉइज़ वगैरह है वो सुनाई नहीं देगी। अब बात करते हैं इनके ईयरफोन कॉम्पोनेंट की, तो कुछ इस तरह से हैं, ये मेटल हेड के साथ हैं, और इनका जो ये वाला डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर लगता है। ओवरऑल दे आर लुकिंग वेरी नाइस, बहुत ही क्लासी लग रहे हैं, तो दिस इज़ हाउ दे आर। और दोस्तों, साथ ही साथ इनके साथ आपको मिलती है छोटी सी क्यूट सी माइक्रो यूएसबी टू 2.0 केबल जिससे आप इनको चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। तो ये 16 वॉट का स्पीकर है और इसमें आपको दो स्पीकर मॉड्यूल मिलते हैं 8-8 वॉट के, और इससे आपको काफ़ी अच्छा डीप बेस जो है मिल जाता है, बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी। ओवरऑल इसकी साउंड क्वालिटी ऐसी है जैसी आपने अभी तक मी के किसी भी स्पीकर पर नहीं सुनी होगी, और ऐसा मुझे लगता है, बहुत बढ़िया है साउंड क्वालिटी के मामले में। बाकी कुछ साउंड सैंपल्स मैं आपको सुनाता हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगे इसकी साउंड क्वालिटी का। कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे ये ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी के साथ आता है, बहुत ही क्विक पेयरिंग है, आपको बस ब्लूटूथ वाला बटन एक बार दबाना है और उसके बाद ये पेयरिंग मोड में आ जाता है, एंड देन यू कैन पेयर इट विद एनी डिवाइस। दोस्तों, इसमें आपको डुअल इक्वलाइजर मोड मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको उन मोड में जाने के लिए जो कि नॉर्मल मोड है, प्ले बटन एंड माइनस बटन दोनों एक साथ दबाने तो आप नॉर्मल मोड में चले जाते हैं इक्वलाइजर के, और अगर आपको डीप बेस वाले इक्वलाइजर मोड में जाना है तो आपको प्ले पॉज एंड प्लस बटन दोनों को एक साथ दबाना है। दोस्तों, कॉल कनेक्टिविटी की बात करें, यहाँ पे अगर आपका फोन इस स्पीकर के साथ कनेक्टेड है तो कनेक्टेड होने के बाद कभी भी आपके फोन पे कॉल आती है और आप कोई गाना वगैरह प्ले करें तो गाना वहीं पे रुक जाएगा, और कॉल उठाने के लिए आपको प्ले एंड पॉज बटन को सिंगल टाइम शॉर्ट प्रेस करना है। तो अगर आपने सिंगल टाइम शॉर्ट प्रेस किया तो वो कॉल उठ जाएगी, दोबारा शॉर्ट प्रेस किया तो वो कॉल एंड हो जाएगी, लेकिन अगर आपको कॉल रिजेक्ट करनी है तो आपको प्ले एंड पॉज बटन के
बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा, उससे कॉल रिजेक्ट हो जाएगी। दोस्तों बैटरी की बात करें तो 2600 mAh की बैटरी है, 5 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट है, लेकिन इसमें मैंने चेक किया है खुद ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। अगर आप कम म्यूजिक सुनते हैं, ज्यादा इसे यूज नहीं करते हैं, तो उस केस में आपका पूरा दिन आराम से निकल जाएगा। दोस्तों ये स्पीकर आपको ब्लू एंड ब्लैक कलर में मिल जाता है, मुझे ब्लैक कलर में बहुत पसंद है, लेकिन इसका ब्लू कलर भी काफी इंटरेस्टिंग है, तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं मी नेक बैंड ईयरफोन्स प्रो के बारे में। तो ये भी ब्लूटूथ पावर्ड है, ब्लूटूथ 5.0 से कनेक्शन होता है, तो लो एनर्जी ब्लूटूथ यहाँ पे दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे एक छोटी सी एलईडी लाइट आपको मिल जाती है, जिससे आपको पेयरिंग का स्टेटस पता चल जाता है। दोस्तों बात करते हैं प्ले पॉज और कॉल पिक की। तो यहाँ पे आपको जो पावर बटन मिलता है उसको आप अगर सिंगल प्रेस करेंगे तो कॉल आ रही है तो कॉल उठ जाएगी, और उसको काटने के लिए भी आपको सिंगल प्रेस करना है। अगर आप इसको प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो वो कॉल रिजेक्ट हो जाएगी, और प्ले एंड पॉज करने के लिए भी यही बटन है, तो वो भी उसी तरह से काम करता है। और अगर आपको गूगल असिस्टेंट लॉन्च करना है तो आपको डबल क्लिक करना है पावर बटन को, उससे आपको गूगल असिस्टेंट लॉन्च हो जाता है। दोस्तों एक चीज सरप्राइजिंग है कि इनकी प्राइस के हिसाब से इनमें आपको मैग्नेटिक प्ले एंड पॉज वाला फीचर नहीं मिलता है। जैसे कि हमने देखा इस तरह के ईयरफोन पहले जब आए तो जब इस तरह से वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है आपका म्यूजिक जो है पॉज हो जाता है आपके फोन पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे म्यूजिक को पॉज एंड प्ले करने के लिए आपको पावर बटन यूज करना पड़ता है। सरप्राइजिंगली ये फीचर इसमें नहीं है। दोस्तों एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन का फीचर भी यहाँ पे आपको मिल जाता है इस प्राइस पॉइंट पे। यहाँ पे आपको एक छोटा सा बटन दिया गया है ईयरफोन के ऊपर, जिसको क्लिक करके आप एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन अनेबल कर सकते हैं, और अनेबल करने के बाद जो एक्स्ट्रा साउंड नॉइज वगैरह आपको सुनाई दे रहा है वो कम हो जाता है, पूरी तरह से खत्म तो नहीं होता, लेकिन हाँ ओवरऑल आपको वॉइस क्लियर सुनाई देती है जो भी आप गाना वगैरह सुन रहे हैं, या फिर अगर आप वॉइस कॉल पे किसी से बात करें तो वो भी थोड़ा बेहतर हो जाता है ANC के बटन को क्लिक करने पर। दोस्तों बैटरी की बात करें तो 150 mAh की बैटरी यहां पे आपको मिलती है, और 20 घंटे का बैकअप इन्होंने बोला हुआ है। हालांकि तकरीबन 10 घंटे के आसपास बैकअप आपको मिल जाएगा अगर आप कंटिन्यूअसली म्यूजिक वगैरह सुनेंगे, ऐसा कुछ हमारी प्रैक्टिकल टेस्टिंग में निकल के आया है। और साथ ही साथ 1.5 घंटा इनको लगता है चार्ज होने में, 5 वॉट की चार्जिंग है, और इसमें आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती है, माइक्रो यूएसबी का पोर्ट है तो आपकी 5 वॉट की चार्जिंग है, जिससे 1.5 घंटा लगता है इनको फुल्ली चार्ज होने में। दोस्तों इन ईयरफोन्स में आपको 10 mm का ड्राइवर मिल जाता है, और साथ साथ काफ़ी लाइट वेट है ये, और इसमें आपको लो लेटेंसी मोड भी मिलता है, जिससे आपको लैग वगैरह जो है साउंड में कम सुनने को आता है। आप इनको गेमिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़े समय बाद हल्की फुल्की लेटेंसी आपको देखने में मिल सकती है, बट ओवरऑल साउंड क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी है, और नॉइज़ कैंसिलेशन होने की वजह से काफ़ी क्लियर हो जाती है ऑडियो जब आप उस फीचर को यूज़ करते हैं। दोस्तों प्राइस और कलर की बात कर लेते हैं, तो ये स्पीकर आपको ब्लू एंड ब्लैक कलर में मिल जाता है, और इसकी प्राइस है तकरीबन 2500। ये ईयरफोन्स आपको मिल जाते हैं ब्लू एंड ब्लैक कलर में, और इनकी प्राइस है तकरीबन 1799 यानी कि 1800 रुपये। तो 1800 रुपये ये है और 2500 ये है। अगर आपको स्पीकर चाहिए तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का स्पीकर है, अगर आपको नेक बैंड में ईयरफोन चाहिए तो सही प्राइस पे आपको अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं इस नेक बैंड में। बाकी आपके जो भी क्वेरीज एंड क्वेश्चन हैं इन दोनों प्रोडक्ट के बारे में वो हमें बताइए, हम आपको उनका जवाब दे देंगे बहुत जल्द। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।